नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म ब्रिज में जा रहे हैं एक यात्री का मोबाइल एक झपट्टा मार लेकर भाग रहा था, लेकिन इससे पहले ही वह स्टेशन से बाहर निकल पाता जीआरपी के जवानों ने उसे दबोच लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी जबलपुर थाना प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि अरविंद भदौरिया ने थाने पहुंचकर सूचना दी थी कि वे जब ब्रिज से आ रहे थे तभी सामने से आ रहा युवक उनके कान में लगा मोबाइल छीनकर किया। वे जब चिल्लाए तो प्लेटफॉर्म में तैनात जीआरपी के जवानों ने उसे धर दबोचा। जीआरपी थाना प्रभारी शशि धुर्वे के अनुसार पकड़ा गया युवक जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला है। थाना क्षेत्र से उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, अरविंद सिंह भदौरिया थाना उपस्थित आकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है कि एक व्यक्ति जब वो 2 नंबर से 4 नंबर ब्रिज से जा रहे थे उनका मोबाइल छीनकर भाग रहा था। फिर उनके द्वारा शोर मचाने पर जो हमारे स्टाफ भी जो प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी रहे थे उनके द्वारा भागकर उसे पकड़ा गया। तत्काल मतलब मोबाइल उससे रिकवरी किया गया और आरोपी को पकड़ के लिया है, जिसमें हमने 392 कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे मोबाइल जब्त किया है, जिसे हम न्यायालय प्रस्तुत करेंगे और उसे अन्य और पूछताछ भी करेंगे कि पहले की उसके आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, जहाँ उसके रहने वाला है, और अन्य थानों से भी हम उसकी जानकारी लेंगे कि उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। रहने वाला जबलपुर गढ़ा का है, तो हम गढ़ा थाना से भी संपर्क करके उसका आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी लेंगे। उसको हमने स्टेशन से ही पकड़ा है। इसको इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।